हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के यूट्यूब चैनल पर। और पैंडेमिक का समय चल रहा है और इस समय पे आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहकर ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत जल्द ही आप लोगों के अभी चूँकि जो एग्ज़ाम थे, शेड्यूल्ड एग्ज़ाम थे, उनकी डेट पोस्टपोन कर दी गई है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा वो एग्ज़ाम भी कंटिन्यू होंगे। तो हम लोगों ने लास्ट मंथ के लास्ट मंथ में अप्रैल में 30 अप्रैल को हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने सिटीजनशिप पढ़ा था, नागरिकता, भारत में नागरिकता के बारे में हमने पढ़ा था। क्योंकि वीडियो जो वो टॉपिक है अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की थी, इसलिए वो एक वीडियो में कम्प्लीट हो नहीं पाया था। और हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमको एक ही लेक्चर मिला हुआ था उस पर। तो आज के वीडियो में, चूँकि आज जो हमारा शेड्यूल था वो था इलेक्शन इन इंडिया, मैंने जैसे कहा कि इलेक्शन इंडिया में हम लोग दो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उन दो क्लासों में हमने भारत में चुनाव के बारे में हमने ठीक ठाक जानकारी हासिल कर ली है। तो उसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करने की आवश्यकता है नहीं, इसी वजह से आज का जो वीडियो है उसको मैं उस जो नागरिकता है उसी वाले टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी लास्ट वीडियो में, उस वाले जो 30 अप्रैल का जो नागरिकता का वीडियो था सीजन 3 का, उसमें हमने भारतीय डायस्पोरा के बारे में पढ़ा था। क्या होता है भारतीय डायस्पोरा, उस भारतीय डायस्पोरा में क्या होता है NRI, क्या होते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, और जो समुद्र पारी भारतीय व्यक्ति हैं वो क्या होते हैं। साथ ही साथ भारतीय सरकार के द्वारा उनको PIO कार्ड जारी किया जाता है, उस PIO कार्ड से उनको क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं, क्या फैसिलिटीज उनको मिलती हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस कर रखा था। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप के जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो आर्टिकल्स हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो नागरिकता है, नागरिकता को भारतीय संविधान में भाग दो के अंतर्गत रखा गया है। जो भाग दो है, पार्ट जो टू है, उसमें जो सिटीजनशिप है, भारतीय नागरिकता है, उसको कवर किया गया है, ठीक है। और अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक को, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 भारतीय नागरिकता, ये जो सिटीजनशिप है, जो हमारे संविधान में व्यक्तियों को जो नागरिकता देने की बात करता है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, इन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत सिटीजनशिप से, नागरिकता से संबंधित जो सारे प्रावधान हैं कि किन व्यक्तियों को नागरिकता दी जा सकती है, किन आधारों पर दी जा सकती है, क्या आधार है जिनके द्वारा व्यक्तियों से नागरिकता छीनी जा सकती है, ठीक। तो इन सभी के बारे में, उसकी जो शर्तें हैं, ये सब हम लोग इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक इन्हीं सब बातों का जिक्र किया गया है। अब आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक का जो पोर्शन है, जो आर्टिकल्स हैं, तो इनको हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 से 11 तक के जो सारे आर्टिकल्स हैं इनको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला जो पोर्शन होगा उसको हम देखेंगे आर्टिकल 5, 6, 7 और 8, ठीक है। और दूसरा जो पोर्शन है उसमें हम लोग देखेंगे आर्टिकल 9, 10 एंड 11। तो हम लोग दो सेक्शन में इनको बांट के पढ़ेंगे, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11। इनको हम लोग किस बेसिस पे हमने इनका ये विभाजन किया है उसको भी हम लोग देखें। तो देखिए, जो आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 है, ये बात करता है संविधान लागू होने के समय नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान दिए गए थे हमारे संविधान जो निर्माता थे, उन्होंने संविधान को, उनसे जब ये बात आई कि भाई संविधान तो हम लागू कर रहे हैं लेकिन कौन व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है, कौन व्यक्ति होंगे जो कि भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो ये जो है, जब संविधान लागू हुआ था उस समय प्रावधान जो था कि भारत के नागरिक कौन होंगे, क्या उसकी शर्तें होंगी, ये बातें रखी गई आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 में। यानी कि जिस समय संविधान लागू हो रहा है 26 नवंबर 1949, अब देखिए 26 नवंबर 1949 को हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे, ठीक है, कुछ अनुच्छेदों में 16 आर्टिकल्स ऐसे थे जो कि लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को, और बाकी के सारे आर्टिकल्स लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। तो इन 16 आर्टिकल्स में से, तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए इन 16 आर्टिकल्स में से एक नागरिकता संबंधी आर्टिकल भी शामिल था, ठीक है, कि कौन व्यक्ति
भारत के नागरिकों के आर्टिकल संबंधी जो नागरिकता संबंधी आर्टिकल्स है वो भी इन 16 आर्टिकल्स के अंतर्गत शामिल था। तो अब जो 5, 6, 7, 8 है वो प्रावधान करता है, इतने संवैधानिक आर्टिकल्स हैं ये प्रावधान, इसमें जो है जो बातें रखी गई हैं जो बताया गया है ठीक है वो क्या है कि जब संविधान हमारा लागू हो रहा था उस समय भारत के नागरिक कौन थे, ठीक है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता के संबंध में प्रावधान, ठीक। और फिर अब संविधान तो लागू हो गया लेकिन अब संविधान ऐसा तो नहीं दो 4-6 महीने चला, संविधान तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलना है, ठीक है, सैकड़ों हजारों सालों तक चलना है संविधान को। तो अब ये हुआ कि भाई संविधान लागू होने के समय कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है उनकी बात तो इन आर्टिकल्स में कर दी गई, लेकिन भविष्य में भारत के नागरिक कौन होंगे, किन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, इसका निर्धारण कैसे होगा, तो हमारी संविधान सभा ने क्या किया कि आर्टिकल 9-10 से मतलब हमारा जो संविधान है उस संविधान में 3 अन्य आर्टिकल जोड़े गए, ठीक है, इन संविधान सभा के द्वारा मूल रूप से 3 आर्टिकल जोड़े गए थे जिस समय संविधान लागू हुआ था। लेकिन अब भविष्य में कौन भारत का नागरिक होगा कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, क्या उसकी शर्तें होंगी, कौन उसके बारे में कानून बनाएगा, इन सब के बारे में अगर भविष्य के बारे में हमको देखना है तो हम किसमें देख क्या जोड़ा गया संविधान में आर्टिकल 9, 10 और 11, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं संविधान लागू होने के पश्चात यानी जब पूरी तरह से संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 उसके बाद नागरिकता के संबंध में प्रावधान, यानी जब संविधान लागू हो जाएगा तो अब उसके बाद भारत का नागरिक कौन होगा उसके बारे में अगर हमको जानना है तो हम किससे जानेंगे आर्टिकल 9, 10 और 11 के थ्रू जानेंगे। तो अगर एक तरीके से हम कहें तो ये वाला जो पोर्शन है वो आज की दृष्टि में प्रासंगिक नहीं रहेगा, इसकी जो प्रासंगिकता है इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है क्योंकि ये केवल प्रासंगिक था उस समय जब संविधान लागू हो रहा था, ठीक है, उस समय इसकी वैल्यू थी कि भैया उस समय हमें जानना था कि कौन भारत का नागरिक है कौन भारत का नागरिक नहीं है, तो उस समय जो इसकी प्रासंगिकता थी आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 की। लेकिन अब इसकी क्या कोई प्रासंगिकता है क्या भैया, तो उस समय के लिए था कि अब जब संविधान लागू हो रहा है इस समय भारत का नागरिक कौन होगा, ठीक है, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से वापस भारत आ गया उसकी भी एक समय सीमा निर्धारित की गई थी, उस समय तक जो भारत आ गया उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी, तो ये सब बातें इस पोर्शन में दी गई हैं। तो आज की दृष्टि में अगर देखा जाए तो इसकी जो प्रासंगिकता है समाप्त हुई, हमारे लिए कोई मायने नहीं रह गया, अगर सिर्फ इतिहास बन चुका है, ठीक है, अगर सिर्फ इतिहास बन चुका है इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन आज की दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, मतलब कि ये क्या है, ये तो पास्ट बन के रह गया यानी कि इतिहास, अब इसमें कोई ठीक है संशोधन नहीं हो सकता, कोई भी इसमें सुधार नहीं, जो है तो है। लेकिन इसमें क्या है, ये भविष्य के लिए है, भविष्य में कौन नागरिक हो सकता है, क्या कैसे हम नागरिकता का निर्धारण करेंगे, तो ये हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 आर्टिकल्स हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो हमने 2 तरीके से कैटेगराइज कर लिया, आप लोगों ने देखा। अब हम पहले बात करेंगे अपने इतिहास के बारे में, मतलब 5, 6, 7, 8 के बारे में, बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इस वाले पोर्शन के बारे में जिसमें से जो आर्टिकल 11 है वो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आर्टिकल 11 से ही बनते हैं, ठीक है। तो बड़े आराम के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल आर्टिकल 11 को उनके समय बिल्कुल अपने कानों को और आंखों को बड़े अच्छे से एक्टिव कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं पहले आर्टिकल 5 की, ठीक है, नागरिकता संबंधी संवैधानिक प्रावधान है, चलिए कि संविधान में दिए हुए जो प्रावधान है नागरिकता के संबंध में उसके अनुसार क्या कर रहे हैं। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, तो दोस्तों हम आर्टिकल 5 को देखेंगे, तो आर्टिकल 5 डिस्कस करता है संविधान के लागू होते समय यानी कि 26 नवंबर 1949 के समय भारत के नागरिक के रूप में कौन जाना जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि 26 नवंबर 1949 क्योंकि इसी दिन नागरिकता संबंधी जो आर्टिकल्स हैं वो लागू कर दिए गए थे, तो 26 नवंबर 1949 यानी कि संविधान लागू होने के समय समय भारत का नागरिक कौन होगा,
ठीक है, संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन होगा, इस बारे में आर्टिकल 5 में उल्लेख किया गया। जो हमारी संविधान सभा है उससे जब पूछा गया कि भाई इसके ये बताइए कि संविधान को आप लागू कर रहे हैं लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन होगा ये बताइए, तो इसके बारे में जानकारी हमें कहां मिलेगी, आर्टिकल 5 के अंतर्गत मिलेगी। ठीक, अब संविधान सभा जो संविधान निर्माता है, संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं, संविधान सभा के मेंबर्स ने कुछ इसमें प्रावधान के कुछ पॉइंट्स बताए कि भाई किन आधारों पर हम जान सकते हैं कि भारत का नागरिक कौन है। तो देखिए इसमें पहला जो आधार है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत की सीमाओं के अंदर हुआ हो। ठीक है, आर्टिकल 5 के अंतर्गत पहला प्रावधान क्या है, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत की सीमाओं के अंदर हुआ हो। ठीक है, भारत की जो सीमाएं हैं उसके अंदर जिस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा वो अपने आप भारत का नागरिक हो गया, उसको किसी भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसी भी शर्त को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, जिस व्यक्ति का जन्म भारत की सीमाओं के अंतर्गत हुआ होगा, ठीक है, वो व्यक्ति अपने आप भारत का नागरिक हो जाएगा। इसके अंतर्गत दूसरा प्रावधान है, दूसरा प्रावधान ये है कि ऐसा व्यक्ति, हम मान के चलिए कोई व्यक्ति, कोई फैमिली है, कोई दंपत्ति है, वो विदेश बाहर घूमने गया, या फिर अगर हम कहें कि जो हमारे क्रांतिकारी है, मान लीजिए कोई क्रांतिकारी जर्मनी में रहकर के वहां से आंदोलन को चला रहा है, या फिर मान लीजिए चलिए कोई जाकर के अमेरिका में उसे संगठन बना लिया, अमेरिका से वो क्रांतिकारी को नेतृत्व प्रदान कर रहा है या आंदोलन में पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो वो व्यक्ति है भारतीय और उसका अगर बच्चा हो गया अमेरिका में तो क्या उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी क्या। तो अगर तो जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट तो यही हमें दिख रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत की सीमाओं के अंतर्गत हुआ हो वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन हमारे लिए कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है, बच्चे का जन्म अमेरिका में हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको नागरिकता माना जाएगा। तो इसमें दूसरा पॉइंट जोड़ा गया, ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता व दादा दादी में से किसी एक का भी जन्म, किसी एक का भी जन्म किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ हो वह भारत का नागरिक हो। मतलब ऐसा व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा अपने आप ही स्वयं से ही, जिसके माता पिता या दादा दादी में से भी किसी का जन्म भारत में हुआ हो और उनके पास भारत के नागरिक, वो जो है भारत के नागरिक हो। यानी माता पिता दादा दादी में से किसी का भी जन्म भारत की सीमाओं के अंतर्गत हुआ हो और भारत के नागरिक हो। तीसरा पॉइंट इसी में ये है, तीसरा पॉइंट आर्टिकल 5 के अंतर्गत ही कहता है कि इस प्रावधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से अगर कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है तो वो भी स्वयं से भारत का नागरिक होगा। यानी इस प्रावधान के लागू होने के, इस प्रावधान मतलब 26 नवंबर 1949 को नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू हुआ है ना, तो इस प्रावधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है तो वे भारत का नागरिक होगा। ठीक है, ठीक, मान लीजिए श्रीमती इन्हीं पेशेंट है, वो जो है बहुत लंबे समय से भारत में रह रहे थे, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में पार्टिसिपेशन किया, तो वो चूंकि 26 नवंबर 1949 के 5 साल से भी अधिक पहले से भारत में निवास कर रही हैं, तो उनको भारतीय नागरिकता लेने के लिए कोई अलग से फट करने की आवश्यकता नहीं है, वो अगर उनको भारत की नागरिकता स्वयं मिल जाएगी क्योंकि वो प्रावधान के
जब नागरिकता लागू हुई उस नागरिकता के लागू होने के 5 वर्ष पहले से ही भारत में निवास कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भारत की स्वयं से नागरिक हो जाएंगे, उनको नागरिकता स्वयं दे दी जाएगी। तो इस आर्टिकल 5 में 3 प्रावधानों को याद रखना है। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत की सीमाओं के अंतर्गत हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म भारत की सीमाओं के अंतर्गत हुआ हो, और तीसरा ऐसा व्यक्ति जो इस प्रावधान के नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है इसके लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में निवास करता आ रहा है तो वो भी भारत का नागरिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 5। अब इसमें देखिए क्या ये प्रेजेंट टाइम से फ्यूचर से कोई रिलेशन है क्या इसका, ये तो उसी समय की बात कर रहा है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारत का नागरिक कौन था, तब इसका क्या कोई प्रासंगिकता रह गई क्या, नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सब इनमें तीनों पॉइंट्स में क्या बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय ये शर्तें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की दृष्टि में आर्टिकल 5 का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रह गया, ये मात्र एक इतिहास बन के रह गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 6 क्या कहता है, जब हम आर्टिकल 6 को देखेंगे तो आर्टिकल 6 कहता है कि अच्छा जब हमारे देश का विभाजन हुआ, ठीक है, देश का बंटवारा हुआ, कम्युनल बेस पे हुआ, धर्म के आधार पर, तो अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए, भाई बंटवारा हुआ अचानक लाइन खींची गई, तो अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कि उस पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए बंटवारे के बाद, लेकिन वो भारत के निवासी बनना चाहते थे, ठीक है, बंटवारे के आधार पर तो पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए लेकिन वो निवासी कहां के बनना चाहते थे, भारत के। सेम इसी तरीके से ऐसे व्यक्ति जो कि पाकिस्तान के नागरिक बनना चाहते थे लेकिन वो जियोग्राफिकली कहां रह गए, भारत वाले हिस्से में रह गए, तो ये हो गया भाई एक तो आप जो है आ जा सकते हैं, मतलब पाकिस्तान में जो व्यक्ति पाकिस्तान वाले हिस्से में चला गया था वो भारत आ सकता है भारत की सीमाओं के अंदर और भारत की नागरिकता ले सकता है, भारत की सीमाओं में जो व्यक्ति रह गया तो वो पाकिस्तान जाकर के वहां की नागरिकता ले सकता है। तो जो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 ये प्रावधान करता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में प्रावधान, ठीक है, जो व्यक्ति बंटवारे के बाद पाकिस्तान वाले हिस्से में रह गया था जियोग्राफिकली और वो भारत का नागरिक बनना चाह रहा है तो उसको नागरिकता देने के संबंध में प्रावधान, ठीक है, पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत मतलब आजादी के बाद बंटवारे के बाद की बात चल रही है, ठीक है, यानी कि जब हमारा जब संविधान लागू हुआ उस समय ये कहा गया कि बंटवारे के बाद, ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान वाले हिस्से में चला गया था वो अगर भारत आना चाहता है भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको कैसे नागरिकता मिलेगी, तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में प्रावधान, ठीक है। तो आर्टिकल 6 में क्या प्रावधान किया गया है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में प्रावधान, ठीक। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस किस बेस पे ऐसे व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है, क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, ये देखिए, यदि किसी ऐसे व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का भी जन्म जो 1935 का अधिनियम आया था भारत में उसके द्वारा वर्णित भारत की सीमाओं के भीतर हुआ हो, ठीक है, यानी जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था उसके अकॉर्डिंग भारत की जो सीमाएं थी उसके अंतर्गत जिस व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का भी जन्म हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म ऐसा व्यक्ति जिसके मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि पैदा भी उसी वाले हिस्से में हुआ जो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया लेकिन अगर उसको भारत आना है तो अब ये बेस देखा जाएगा कि उस व्यक्ति के क्या माता पिता या दादा दादी में से किसी एक
का जन्म 1935 के अधिनियम में वर्णित भारत की सीमाओं के अंतर्गत हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं जिसके माता पिता दादा दादी में से किसी एक का जन्म 1935 के अधिनियम में वर्णित भारत की सीमाओं के अंतर्गत हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जैसे ही भारत आएगा उसको तुरंत नागरिकता मिल जाएगी, कोई भी फॉर्मेलिटी का सत्ता नहीं है, सीधे उसको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक। इसी में दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा क्या प्रावधान है, दूसरा प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति मान के चले देखे अंतर समझे दोनों में, मान लीजिए किसी व्यक्ति के माता पिता दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत वाले हिस्से में हुआ रहा हो, ठीक है, और अब वो क्या है कि एक लंबे समय से पाकिस्तान वाले हिस्से में रह रहे थे और उस व्यक्ति को भारत आना है, तो वो आराम से 26 जनवरी 1950 तक भी भारत आ जाए तो उसको किसी भी फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं, सीधे उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिसके दादा दादी दादा या माता पिता में से किसी का भी जन्म भारत वाले हिस्से में ना हुआ रहा हो, वो हमेशा से ही उसके वंशज उसी वाले हिस्से में रह रहे हो पाकिस्तान वाले में, तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेने चाहे तो क्या कंडीशन है, तो कंडीशन ये है कि कोई व्यक्ति अगर, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ जाए तो उसे नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो देखा गया कि कोई व्यक्ति अगर 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत आ गया है, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत अगर आ जाता है तो उसे भी बिना किसी फॉर्मेलिटी के नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है, इसमें भी बिना किसी फॉर्मेलिटी के, मतलब बिना किसी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बिना किसी शर्तों को पूरा करे, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, क्लियर। और ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनके दादा दादी में से किसी का जन्म भारत वाले हिस्से में हुआ हो तो इनको भी विदाउट एनी फॉर्मेलिटी सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक। चलिए तीसरा पॉइंट की अगर बात करें, आर्टिकल 6 के अंतर्गत तीसरा पॉइंट क्या है, तो इसमें कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत प्रवास करता है तो वह कुछ निश्चित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 19 जुलाई 1948 के बाद, यहां पर पहले था बाद, भारत प्रवास करता है मतलब भारत आता है, भारत प्रवास करता है तो उसे कुछ फॉर्मेलिटी, मतलब कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होंगी जिसके पास उसे कुछ फॉर्मेलिटी के बाद नागरिकता मिल जाएगी, समझे, यानी कि उसको कुछ इन फॉर्मेलिटीज में क्या है, एक परमिट फॉर्म भराया जाता था, ठीक है। अब कोई व्यक्ति अगर 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आ रहा है जिसके दादा दादी या माता पिता में से किसी का जन्म भारत वाली सीमा में नहीं हुआ और वो व्यक्ति अब 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत आ रहा है, ठीक है, तो अब उसको अगर नागरिकता लेनी है तो उसका क्या प्रावधान है, तो उसका प्रावधान ये है कि उसको एक परमिट फॉर्म भरना पड़ेगा, उस परमिट फॉर्म को भरने के 6 महीने के पश्चात उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। इस वाले केस में क्या है, 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई परमिट नहीं, आया तुरंत नागरिकता मिल गई। ऐसा जो व्यक्ति है जो कि 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहा है उसको भी नागरिकता चाहिए, उसको भी मिलेगी, लेकिन अब उसको 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक। तो ये दोनों में अंतर है, इस वाले में आराम से कोई समस्या नहीं, 19 जुलाई 1948 के बाद भी आ रहा है ऐसा वाला व्यक्ति तो भी उसको बिना किसी फॉर्मेलिटी के जो नागरिकता है वो मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 6।
अब बात करते हैं आर्टिकल सात। आर्टिकल सात क्या कहता है? आर्टिकल जो सेवन है, आर्टिकल सेवन कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बंटवारे के बाद भारत वाले हिस्से से निकल करके पाकिस्तान वाले हिस्से चला गया हो, यानी भारत से वो पाकिस्तान चला गया हो, और कुछ दिनों बाद उसको वहां की हालत समझ में आ गई कि यहाँ पे मेरा जो जीवन है वो सही नहीं है, या मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, वास्तविकता का उसको ज्ञान हो गया कि गलत में उसको जो, उसका जो डिसीजन था उसको डिसीजन गलत लगने लग गया कि मैं फालतू यार भारत से पाकिस्तान आ गया। अब फिर से उसने वो विचार करने लगा कि यार ऐसा करते हैं वापस से भारत वाले हिस्से चले और भारत में रह जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा व्यक्ति जो कि भारत से पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से भारत आ गया, तो अब ऐसे व्यक्ति के लिए क्या प्रावधान है? ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गया और वापस पाकिस्तान से भारत आ गया, उसकी नागरिकता संबंधी प्रावधान, मतलब जैसे ही बंटवारे की खबर आई, ठीक है, अब बंटवारे की, अब जैसे ये कंफर्म हो गया अब भाई बंटवारा हो ही जाना है, 15 अगस्त 1947 को बंटवारा हो जाएगा, तो अब उससे पहले लोगों को डिसाइड करना था कि किसको कहाँ जाना है, तब ऐसे व्यक्ति ने अपना बुढ़िया बिस्तर उठाया, चला गया पाकिस्तान, हम जाएंगे पाकिस्तान, नए देश में रहेंगे। कुछ दो चार छः दिन साल भर रहा, अब उसको लगने लगा कि भारत चल रहा है, फिर तो उसने बुढ़िया बिस्तर उठाया वापस भारत आया, अब ऐसा तो है नहीं किया, तो एक बार पाकिस्तान चलेगा फिर तुम जब तुम्हारा मन हो तुम फिर भारत आ गए, तुमको नागरिकता तुरंत दे देंगे। तो एक आ गया कि ठीक है उसको, चलो ठीक है, जो मतलब सुबह का बोला शाम को वापस घर आ गया, तो उसको इसे तो नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल डाक मार के भगा दें, उसको नागरिकता ही ना दें, तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि ठीक है चलो सुबह का भूला था शाम को वापस घर आ गया, तो इसको भूला नहीं कहेंगे, अपना ही भाई बंधु है, तब उसको नागरिकता देनी है, तो उसको किस आधार पर नागरिकता देंगे, क्या प्रावधान है ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता देने का? ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो कि बंटवारे के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो, उसको अब भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, लेकिन अब वो व्यक्ति अब कुछ दिनों के बाद वापस भारत आ रहा है, ठीक है, तो अब उसको क्या होगा, तो उसको भी हम नागरिकता देंगे, लेकिन उसमें प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया हो और फिर पाकिस्तान से भारत आ रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति भी कुछ निश्चित प्रक्रियाओं के पश्चात भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। निश्चित प्रक्रियाओं में क्या है? तो ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ रहा है वो पाकिस्तान से एक परमिट फॉर्म लेके आएगा, ठीक है, जब वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आ रहा है तो वहां पे भी फॉर्म भरना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं भारत, वो परमिट फॉर्म लेके आना चाहिए। भारत आए, भारत में भी अगर कोई परमिट फॉर्म भरे कि हम भारत में रहेंगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे, अब उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में विचार किया जाएगा, ठीक है, और इसको 6 मंथ का इंतजार करना पड़ेगा, और मतलब पहले क्या करना पड़ेगा, पहले पंजीकरण फॉर्म भरना पड़ेगा, पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद 6 महीने तक इसको इंतजार करना पड़ेगा और अब इसको नागरिकता मिलेगी, ठीक है, पहले पंजीकरण फॉर्म, फिर 6 महीने का इंतजार और फिर उसके बाद नागरिकता प्राप्त। तो ये आर्टिकल 7 में है, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से वापस भारत, उसको भी हमें देना है नागरिकता, तो हम इस तरीके से देंगे, पंजीकरण फॉर्म भराएंगे, 6 महीने का इंतजार होगा, विचार विमर्श होगा और अंतिम जो डिसीजन है वो सरकार का ही होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, और अभी भी अगर हम देखें प्रेजेंट में भी, तो प्रावधान पूरा होने के बाद भी अंतिम डिसीजन सरकार का होता है कि ऐसे व्यक्ति को नागरिकता दी जाए या ना दी जाए। चलिए आर्टिकल 7 देख लिया हम,
आर्टिकल आठ। आर्टिकल आठ क्या कहता है? आर्टिकल आठ कहता है कि ऐसा भारतीय मूल का व्यक्ति जो कि विदेश में रह रहा था और उसने विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, ठीक है, ऐसा आर्टिकल आठ कहता है भारतीय मूल का व्यक्ति, ठीक है, भारतीय मूल का व्यक्ति है लेकिन वो एक लंबे समय से विदेश में रह रहा है, और भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने विदेश की या मतलब किसी दूसरे देश की, ठीक है, जो दूसरा देश है, जिसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, ठीक। अब देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश गया और उसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो सीधी सी बात है कि भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत क्या है, एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। भारत कहता है या तो आप किसी और देश की नागरिकता ले तो हमारी चाहिए, अगर आप हमारी नागरिकता ले रहे हैं तो किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। तो भारत क्या है, एकल नागरिकता का भरोसा करता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। तो अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है जो किसी दूसरे देश में रह रहा है लंबे समय से और उसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। या फिर इस प्रावधान के लागू होते समय किसी अन्य देश में प्रवास कर रहा हो, या तो क्या हो, या तो भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, या नागरिकता का जो प्रावधान है यानी 26 अक्टूबर 1949, या फिर प्रावधान लागू होते समय किसी दूसरे देश में निवास कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति भी अगर नागरिकता लेने चाहे भारत की तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि है तो वो भारतीय भारतीय व्यक्ति है ना, भारतीय मूल का व्यक्ति जो कि विदेश में रह रहा है, उसने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली। या फिर प्रावधान जब भारत में लागू हो रहा था उस समय वो किसी दूसरे देश चला गया, यहां पर पाकिस्तान को छोड़ करके अन्य देशों के पास चल गया है, ठीक है। तो अगर प्रावधान लागू होते समय वो किसी दूसरे देश चला, दूसरे देश में प्रवेश कर रहा हो और अब वो वापस से भारत आकर के भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो, तो भी कुछ प्रावधान है जिनके आधार पर ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो अब देखा जाएगा कि ऐसे जो व्यक्ति हैं भारतीय मूल का व्यक्ति, यदि प्रावधान लागू होते समय जो व्यक्ति भारत के बाहर रह रहे थे, तो ऐसे व्यक्तियों के दादा दादी या माता पिता यदि भारत के नागरिक हों तो उन्हें कि ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। और इसके लिए भारत की नागरिकता लेने के लिए इन्हें पहले वो जिस देश में वो निवास कर रहे थे उस देश के जो एम्बेसी है, ठीक है, भारतीय जो दूतावास है उस दूतावास में जाकर के ऐसे व्यक्तियों को पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं इनको भारतीय दूतावास में नागरिकता है तो पंजीकरण कराना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट इनको भारत की नागरिकता देने का के लिए अलाउ कर देगी, भारतीय नागरिकता प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो आर्टिकल आठ देखिए, भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो या फिर प्रावधान लागू होते समय किसी दूसरे देश में रह रहा हो, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहेगा तो ऐसे व्यक्ति को भी हम भारतीय नागरिकता देंगे। उस आधार पर हम देखेंगे कि अगर ऐसे व्यक्ति के दादा 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 दादी या फिर माता पिता में से कोई एक 1935 के वर्णित भारत की सीमाओं के अगर अंतर्गत नागरिक रहे हों या नागरिक हों तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उसके लिए उन्हें पहले भारत की नागरिकता लेने हेतु उस देश के दूतावास में जाकर के आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है, पंजीकरण हेतु आवेदन करना पड़ेगा। यानी ये हो गया आर्टिकल आठ। तो देखिए आर्टिकल आठ तक की जैसा कि मैंने कहा था कि ये सारी बातें जब संविधान लागू हुआ उस समय की सारी बातें हैं, तो यहां तक हो गया। इसमें भी देखिए वही चीज है
कि लागू होते समय अगर बाहर रह रहा है, भारत आना है तो नागरिकता कैसे लेगा, तो ये सब बातें पुरानी हो गई। अब हम देखेंगे नए जमाने की नई बातें जिनसे हमारा वर्तमान और फ्यूचर प्रभावित हो रहा है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? तो देखिए आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ये नागरिकता की समाप्ति के बारे में बताता है, ठीक है, कि नागरिकता कैसे वापस कर ली जाएगी, तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में बस गया और वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली तो उसकी यानी ऐसे व्यक्ति भारत की नागरिकता, इंडिया सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि विदेश में निवास कर रहा था और उसने अब दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा संविधान के एकल नागरिकता के सिद्धांत को दर्शाता है, हमने पहली बात कर लिया था। और ऐसा जो है ना, उसकी जो नागरिकता स्वतः समाप्त हो गई, उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी, अगर हम लिखे ज्यादा सही होगा, स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले रहा है तो उसको समाप्त करने के लिए कोई आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और ऐसा जो है ना, ये जो स्वतः से नागरिकता समाप्त हो गई, ऐसा हमारे संविधान में जो एकल नागरिकता का सिद्धांत है उसको वर्णित करता है। ऐसा हमारे संविधान के एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता के सिद्धांत को वर्णित करता है। हमारे संविधान ने कहा हुआ है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप होगी, तो ये स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाना क्या दर्शाता है? भारत में जो एकल नागरिकता का सिद्धांत है उसके प्रावधान को दिखाता है कि भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत है। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 9। यानी आर्टिकल 9 क्या कहता है कि अगर किसी दूसरे देश में निवास कर दिए तो स्वतः उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है दोस्तों, इस भाग के अधीन, ये जो आर्टिकल 10 है, इस आर्टिकल 10 में कहा, ये प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जिसने भारत की नागरिकता प्राप्त की है, ठीक है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की नागरिकता बाद में प्राप्त की है, वो यहाँ का नागरिक नहीं था। अभी मैं आगे आर्टिकल 11 में बात करूंगा कि कुछ आधारों पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि नेशनलाइजेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो इनके आधार पर अगर किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता प्राप्त की है, ठीक है, तो उसकी नागरिकता तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि संसद कोई निगेटिव प्रावधान न कर दे। ठीक है, उसकी नागरिकता समाप्त करने के लिए कोई प्रावधान न कर दे तब तक ही उसकी नागरिकता बनी रहेगी, और जब भी संसद कोई ऐसा प्रावधान कर दे जिससे उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 10 क्या कहता है? इस भाग के अधीन घोषित नागरिक अपनी नागरिकता बनाए रखने के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होंगे। आर्टिकल 10 कहता है, इस भाग के अधीन घोषित नागरिक अपनी नागरिकता बनाए रखने, अपनी नागरिकता बनाए रखने के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होंगे। ठीक है, इस बात के अधीन घोषित नागरिक अपनी नागरिकता बनाए रखने के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होंगे।
देखिए आर्टिकल 10 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिनको इन प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता मिली हो तो वो नागरिकता केवल तभी तक उनकी बनी रह सकती है जब तक कि संसद कोई निगेटिव कानून न बना दे, यानी कि उनकी नागरिकता केवल तभी तक रहेगी जब तक कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होंगे। ठीक है, जैसे ही संसद कोई निगेटिव कानून बना देगी इनकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो आर्टिकल 10 ये कहता है, आर्टिकल 10 भी मतलब नागरिकता समाप्त होने के बारे में बताता है। ठीक है, जिस तरह आर्टिकल 9 कहता है कि स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाएगी अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो, आर्टिकल 10 कहता है कि इस भाग में घोषित जो नागरिक है वो अपनी नागरिकता केवल तभी तक बनाए रख सकते हैं जब तक कि वह संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होंगे। तो ये भी नागरिकता समाप्त होने के बारे में बताता है आर्टिकल 10 भी। तो आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 दोनों ही नागरिकता के समाप्ति के बारे में प्रावधान करते हैं। अब आर्टिकल 11 क्या है, ठीक है, आर्टिकल 11 को हम देखेंगे। आर्टिकल 11 हमारे पूरे पार्ट 2 या सिटीजनशिप जो टॉपिक है इसका सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 10 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 10 कह रहा है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, चाहे वो नागरिकता देने के संबंध में हो चाहे नागरिकता वापस लेने के संबंध में हो। ठीक है, तो नागरिकता के संबंध में, सिटीजनशिप के संबंध में कोई भी कानून बना, अगर कोई संस्था बनाएगी भारत में तो कौन होगी, संसद होगी। यहाँ पे आपसे पूछा सकता है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, ठीक है, लोकसभा। ठीक है, इस तरीके से तमाम आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, कैबिनेट जो है, लोकसभा, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो उसमें ऑप्शन क्या है, संसद, यानी नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को। ठीक है, अब इस नागरिकता के संबंध में कि किस तरीके से, किन प्रकारों से, किन आधारों पर नागरिकता दी जा सकती है व्यक्तियों को। ठीक है, अब ये चूंकि जो आर्टिकल 11 है ये 26 जनवरी 1950 के बाद की नागरिकता के संबंध में प्रावधान को बताता है, 6, 7, 8 तो उसके पहले की बारे में बता रहे थे कि प्रावधान लागू होने के पहले के, यानी प्रावधान लागू होने के समय कौन व्यक्ति भारत के नागरिक है कौन भारत के नागरिक नहीं है उसके बारे में जिक्र कर रहा है। लेकिन आर्टिकल 11 क्या जिक्र कर रहा है कि प्रावधान लागू होने के पश्चात, ठीक है, संविधान के लागू होने के पश्चात कौन व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता उसके बारे में प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 11 के अंतर्गत पहले हमने देखा नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, संसद को होगा। फिर जो संसद है वो इस नागरिकता के संबंध में एक कानून बनाया संसद ने, जिसको हम कहते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। संसद ने नागरिकता के संबंध में, संसद ने नागरिकता के संबंध में नागरिक अधिनियम 1955 बनाया। ठीक है, अब संसद ने क्या किया, संसद ने अमेंडमेंट करके, संशोधन करके संविधान में एक अधिनियम बनाया जिसको कहते हैं नागरिक संशोधन अधिनियम 1955। ठीक है, यानी नागरिकता अधिनियम 1955। अब ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है ये किस लिए बनाया गया, ये बनाया गया किन आधारों पर नागरिकता दी जा सकती है, नागरिकता प्राप्ति और नागरिकता समाप्ति। ठीक है, तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ प्रावधान किए गए हैं नागरिकता प्राप्ति के संबंध में, नागरिकता की प्राप्ति के संबंध में, और
कुछ प्रावधान किए गए हैं नागरिकता की समाप्ति के संबंध में, इसमें दोनों प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 11 के अंतर्गत, इस अधिनियम 1955 के अंतर्गत, ठीक है, यानी प्राप्ति के संबंध में भी और समाप्ति के संबंध में भी। पानी पी ले थोड़ा। भारतीय नागरिकता अधिनियम, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्या कहते हैं इसे? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पहली बार आया। और ये क्यों आया था? ये आया था कि किन व्यक्तियों को नागरिकता दी जा सकती है और किन व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, इसके लिए। अब इस अधिनियम में कुछ संशोधन भी हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले संशोधन हुआ 1996 में, फिर संशोधन हुआ 1992 में, फिर 2001, फिर 5, ठीक है, 86 हो गया, 92 हो गया, 2001, 2005, 2015 और सबसे लेटेस्ट 2019, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि बहुत बवाल हुआ है, ठीक है। तो इतने संशोधन हो चुके हैं 86, 92, 1, 5, 15 और 2019 में। सबसे लेटेस्ट है ये, सबसे लेटेस्ट है 2019 में जो संशोधन हुआ है, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, अभी हम लोगों ने देखा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, वो सबसे नवीन आया है। और उसने क्या किया, इस नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ बदलाव किए हैं, उन बदलावों की भी हम बात करेंगे, क्या बदलाव किए हुए हैं इसने। चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इस नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर, यानी जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, इसके आधार पर किन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। आर्टिकल 11 के हिस्सा है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट यानी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा किन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान की सकती है। नागरिकता प्राप्ति के संबंध में, यानी कौन व्यक्ति हैं जिनको नागरिकता, भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो कुछ आधार है जिनके बेस पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, जैसे कि एक आधार है जन्म के आधार पर, ठीक है, यानी कि इस इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ये प्रावधान किया गया, जोड़ा गया कि किसी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, यानी कि ये बात हो रही 26 जनवरी 1950 के बाद की, ठीक है, या वर्तमान की भी अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, तीसरा आधार है पंजीकरण के आधार पर, मीन्स की रजिस्ट्रेशन के आधार पर, मतलब बाय बर्थ हो गया, बाय डिसेंट हो गया, जन्म के आधार पर मतलब बाय बर्थ, बाय डिसेंट, वंश के आधार पर बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पंजीकरण के आधार पर हो गया, तीसरा आधार इसमें हो गया प्रकृतिकरण, ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन इसे बोलते हैं, प्रकृतिकरण या देशीकरण, बाय नेचुरलाइजेशन, और अंतिम होता है बाय एक्वायर्ड। मान लीजिए किसी भारत के द्वारा किसी क्षेत्र का एक्वायर कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया,
तो भूमि अधिग्रहण के आधार पर, भूमि अधिग्रहण के आधार पर, ठीक है, यानी कि बाय एक्वायर्ड। तो ये निम्न आधार है जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, कौन कौन से, बाय बर्थ, बाय डिसीजन, बाय एक्वायर्ड, बाय एक्वायर्ड हो गया यानी कि भूमि अधिग्रहण के आधार पर, ठीक है, और प्रकृतिकरण एवं देशीकरण के आधार पर यानी कि बाय नेचुरलाइजेशन। इन पांच आधारों पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक एक के। सबसे पहले हम देखेंगे जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता प्राप्त होती है। अब मान लीजिए हम हैं, अब किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ, सपोज दैट हमारा जन्म भारत में हुआ, तो हमारे क्योंकि माता पिता हमारे जो पूर्वज वो सब क्या है, भारत में ही रह रहे हैं। पहली बात तो ये देखिए, अभी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म भारत की सीमाओं के अंदर हुआ तो उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ लूप होल है, कुछ कमियां हैं। सपोज दैट कोई पाकिस्तानी घुसपैठी है, वो भारत आया, अब भारत आ गया, वो भारत में उसने शादी कर ली, ठीक है, अवैध प्रवासी था, घुसपैठ किया उसने, भारत आया, भारत में शादी कर लिया, अब उसका जो बच्चा है तो क्या उसको भी जन्म के आधार पर भारत नागरिकता मिल जाएगी, तो नहीं। इसमें भी कुछ प्रावधान है, प्रावधान क्या है, जन्म के आधार पर नागरिकता के संबंध में कुछ प्रावधानों की बात की गई है। जैसे कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा कोई व्यक्ति, इसमें क्या है, चलिए एक एक हम लोग साफ करते हैं, एक एक बात करते हैं। पहले बात करेंगे जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति। इसमें प्रावधान किया गया है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की सीमाओं के अंतर्गत जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत की सीमाओं के अंतर्गत जन्मा कोई कोई भी व्यक्ति जो भारत की सीमाओं के अंतर्गत जिसका जन्म हो वो क्या हो जाएगा, वो भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन कुछ समय पश्चात ही इसमें एक संशोधन किया गया, और इसमें यह संशोधन किया गया कि जन्म उसके उस व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। क्या कहा गया कि जन्म के समय उसके माता पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ठीक। आप सपोज दैट कोई पाकिस्तानी घुसपैठी है, वो भारत आया, कश्मीर वाले हिस्से में किसी स्त्री से उसने विवाह कर लिया, अब उसकी विवाह के बाद जो संतान उत्पन्न होगा, ठीक है, जो पुत्र या पुत्री उत्पन्न होगी, तो क्या उसको भी भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी, तो नहीं। उसमें एक एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि माता पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, तो जो स्त्री है वो मान लीजिए कश्मीर जम्मू की निवासी है, ठीक है, तो वो तो भारत की नागरिक है। लेकिन इसमें कहा गया है कि जन्म के समय उसके माता पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना आवश्यक है, परंतु इसमें कंडीशन भी फुलफिल करनी है, परंतु दूसरा व्यक्ति, मतलब अगर माता है भारत की नागरिक परंतु दूसरा व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बाद में सरकार को बाद में होश आया, और फिर 2003 में, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 2001 में संशोधन किया गया, और उसके आधार पर 2003 में क्या हुआ
कि प्रावधान में कुछ संशोधन करके और इस पॉइंट को जोड़ा गया। ठीक है, अब उसमें समस्या क्या आ रही थी कि तमाम अवैध प्रवासी भारत में आ रहे थे, ठीक है, और उन अवैध प्रवासियों के द्वारा भारत में संतान उत्पन्न की जा रही थी और उनको भारतीय नागरिकता मिल जा रही थी। तो इसमें यह कहा गया कि एक व्यक्ति का माता पिता में से किसी एक का तो भारत नागरिक होना आवश्यक है, किसी एक का तो भारत नागरिक होना आवश्यक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, परंतु दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो किसी देश से, किसी दूसरे देश से आ रहा है, ठीक है, बकायदा पूरे प्रोसीजर के साथ आ रहा है, वीजा वगैरह लेकर के आ रहा है, लीगली भारत आ रहा है, और लीगली भारत में आकर के अगर उसने विवाह कर लिया भारतीय किसी स्त्री से, और स्त्री से विवाह करके और फिर जो पुत्र है, तो अब उसको भारतीय नागरिकता में जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो वैध प्रवासी है, उसने लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत आया है, ठीक है, घुसपैठ करके नहीं आया। तो इस कंडीशन में तो केवल इस वाले पॉइंट के आधार पर उस जो का पुत्र या पुत्री है उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति अवैध प्रवासी है तो फिर उस पुत्र या पुत्री को भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जन्म के आधार पर तीन पॉइंट हमने देखे, 26 जनवरी 1950 को भारत, 26 जनवरी 1950 के पश्चात, 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत की सीमाओं के अंतर्गत जन्मा कोई व्यक्ति, उसके लिए दो कंडीशन पूरी करनी अनिवार्य है। इस व्यक्ति के लिए जो ये जन्मा व्यक्ति है, इस व्यक्ति के लिए दोनों कंडीशन पूरी करना अनिवार्य है, पहला तो माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, दूसरा जो दूसरा हो वो अवैध प्रवासी ना हो। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। अब हम देखते हैं वर्ष के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत से बाहर हुआ हो और उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता हो, तो वर्ष के आधार पर ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। वंश के आधार पर ये क्या कहता है, बाय डिसेंट में ये कहता है, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद उसका जन्म, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत की सीमाओं के बाहर हुआ हो परंतु उसके माता पिता में से कोई एक उस समय भारत का नागरिक हो, तो ऐसे जन्म व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, सुनने क्या कह रहा है पॉइंट, ये कह रहा है वंश के आधार पर, मान लीजिए अब कोई व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति भारत के बाहर उसके माता पिता रह रहे हैं, अब सपोज दैट कोई व्यक्ति यहां से कुछ कमाने वाने के उद्देश्य से विदेश गया, ठीक है, तब उधर सऊदी अरब चला गया कोई व्यक्ति, अब वहां पर पति पत्नी दोनों सऊदी अरब चले गए कमाने के लिए, वहां पे अगर उनका पुत्र हो गया, तो अगर हम जन्म के आधार पर पॉइंट देखें तो उसमें लिखा हुआ कि भारत की सीमाओं के अंदर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो भारत का नागरिक है, तो इस आधार पर तो फिर उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद भारत की सीमाओं के अंतर्गत, मतलब भारत की सीमाओं के बाहर हुआ हो, किसी दूसरे देश में हुआ हो, ठीक है, तो वो भी भारत का नागरिक होगा, परंतु कंडीशन क्या है कि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से किसी एक को के पास, किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, तो उस व्यक्ति को अपने आप ही स्वयं स्वतः से ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया वंश के आधार पर। इसमें कंडीशन और कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ऐसा जो व्यक्ति इस जन्म भारत की सीमाओं के बाहर हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के जन्म के संबंध में जो सूचना है वो उस देश के भारतीय दूतावास में 1 वर्ष के भीतर ही सूचना दे देनी चाहिए। ठीक है,
ऐसे व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, ऐसे जन्मे व्यक्ति का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, यानी कि वहां पर आपको इंफॉर्मेशन एक वर्ष के भीतर देनी पड़ेगी वहां के दूतावास में कि भैया ये बालक हुआ है और हम भारत के नागरिक है, इस वजह से हमारा ये पुत्र भी भारत का नागरिक है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण एक वर्ष के भीतर उस देश के, जिस देश में वो रह रहे हैं, हम निवास कर रहा है, उस देश के भारतीय दूतावास में कराना होगा, ठीक है। तो ऐसा जो जन्मा व्यक्ति है ना, ऐसा जन्मा व्यक्ति उसका पंजीकरण एक वर्ष के भीतर उस देश के भारतीय दूतावास में कराना होगा, यानी उसको एक तरीके से इंफॉर्मेशन देनी होगी। चलिए, ये तो हो गया वंश के आधार पर। बाई डिसेंट, कि अगर मान लीजिए आप भारत की सीमाओं के बाहर भी अगर जन्म हो रहा है किसी व्यक्ति का, लेकिन माता पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अब तीसरा है पंजीकरण द्वारा, बाई रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण द्वारा क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत आया, भारत बड़ा उसको अच्छा लग गया, ठीक है, भारत बहुत अच्छा लग गया। अब वो सोचने लग गया कि मैं भारत की नागरिकता ले लूं, ठीक है, या फिर इसमें कंडीशन ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है भारत आया घूमने, अब उसने क्या किया, उसको लगा कि हाँ मैं भारत की नागरिकता ले लूं, अब नागरिकता लूं कैसे, तो उसने सोचा पंजीकरण के आधार पर ले लेता हूं, क्योंकि नेचुरलाइजेशन से ज्यादा सरल प्रोसेस है पंजीकरण का। और उस पंजीकरण के प्रोसेस में क्या है कि अगर वो व्यक्ति भाई वैध प्रवासी है, वो लीगल इमिग्रेंट है, अब उसने भारत की किसी स्त्री या पुरुष के साथ उसने विवाह कर लिया, तो अगर उस व्यक्ति ने भारत की स्त्री या पुरुष के साथ विवाह कर लिया, जो भी आया है स्त्री या पुरुष के साथ, पुरुष या स्त्री के साथ, अगर उसने भारत में विवाह कर लिया, तो वो विवाह के पश्चात पंजीकरण के द्वारा बाई रजिस्ट्रेशन वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे भारतीय मूल का व्यक्ति, मान लो भारतीय मूल का व्यक्ति है जिसने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी और किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, तो वो अगर भारत की नागरिकता पुनः प्राप्त करना चाहता है तो क्या करेगा, बाई रजिस्ट्रेशन। एक तो भारतीय मूल का व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, और दूसरा कोई विदेशी व्यक्ति, ठीक है, पंजीकरण के द्वारा भारतीय मूल का भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है नागरिकता, और कोई विदेशी नागरिक जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, तो वह कुछ शर्तों को पूरा करने के पश्चात पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ग्रहण कर सकता है। कोई विदेशी व्यक्ति नागरिक जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो तो वे पंजीकरण के द्वारा कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करके नागरिकता, यानी भारत की नागरिकता है, नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कुछ शर्तों को पूरा करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब उन शर्तों में हम देखेंगे कौन कौन सी शर्तें हैं जिसको पूरा करना आवश्यक है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु। तो इन शर्तों में अगर हम देखेंगे कौन कौन सी शर्तें पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तो इन शर्तों में हम देखते हैं कि कम से कम 7 वर्षों तक ऐसा व्यक्ति भारत में निवास करे। पहला पॉइंट है ऐसा व्यक्ति जिसको पंजीकरण के द्वारा भारत नागरिकता लेना है, ऐसा व्यक्ति कम से कम 7 वर्षों तक भारत में निवास करे, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता लेनी है, भारतीय स्त्री पुरुष उसने विवाह कर लिया, तब कहते हैं कि विवाह किया तुरंत नागरिकता मिल जाएगी, नहीं, उस व्यक्ति को कम से कम 7 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा, उसके बाद वो फिर एप्लीकेशन, फिर वो फॉर्म भरेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा, और उसके बाद फिर सरकार को जब आवश्यक लगेगा, यानी अंतिम निर्णय सरकार के ऊपर है, तो फिर उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक। दूसरा एक पॉइंट है आवेदन करने से पूर्व का अंतिम 1 वर्ष लगातार भारत में निवास करे। पहला इसमें शर्त तो यह है कि ऐसा व्यक्ति कम से कम 7 वर्षों तक भारत में निवास करेगा, और
जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है ना, 7 वर्ष के बाद वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो एप्लीकेबल होगा, तो पंजीकरण करने के पूर्व का 1 वर्ष लगातार भारत में निवास करें। अब इन दोनों में देखिए अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर यह है कि ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 7 वर्षों से भारत में रह रहा है, अब उन 7 वर्षों में ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे 7 वर्ष भारत में रहे, कुछ दिन निर्धारित किए गए हैं, कम से कम 182 दिन उसको भारत में रहना चाहिए, कम से कम मिनिमम 182 दिन ऐसे व्यक्ति को भारत में रहना चाहिए। और मान लीजिए पहले साल में उसने 182 दिन कम से कम रह लिया, फिर दूसरे साल में 190 दिन रह लिया, इसी तरह करके उसने 6 सालों तक इस तरह हो गया। लेकिन जो अंतिम का जो 1 वर्ष है, यानी पंजीकरण करने के पूर्व का 1 वर्ष, मान लो इस साल 2021 में उसको रजिस्ट्रेशन करना है, तो पिछले 1 साल से उसको लगातार भारत में रहना आवश्यक है, ठीक है, फिर नहीं कि 182 दिन रहेगा तो पूरा माना जाएगा, तब उसको अंतिम 1 वर्ष लगातार भारत में निवास करना आवश्यक है, ठीक। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 1955 का, 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 में, 2015 में जो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम है 2015 में, इसमें इस ये जो अंतिम 1 वर्ष है, इस एक्ट में अंतिम 1 वर्ष में 30 दिन की छूट दी गई है। बात सुन रहे क्या है, पहले तो ये था कि अंतिम 1 वर्ष उसको लगातार भारत में रहना आवश्यक है, लेकिन 2015 का जो संशोधन आया उसके अनुसार अंतिम 1 वर्ष जो था उसमें 30 दिनों की छूट भी दी गई है कि अब उसको लगातार 365 दिन रहना आवश्यक नहीं है, 30 दिन वो अपने देश भी जा सकता है, अपने घर वालों से मिलने भी जा सकता है, ठीक है। तो पहले तो 30 दिन की छूट नहीं थी, लेकिन 2015 का जो अमेंडमेंट था उसके द्वारा अंतिम वर्ष में 1 वर्ष की छूट भी दे दी गई, ठीक है। तो ये हो गया पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, यानी सिर्फ भारत में आकर शादी कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक से शादी कर ली, ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे थोड़ा सा इजी हो जाएंगे, बाय नेचुरलाइजेशन के कंपैरिजन में सबसे इजी हो गई, उसमें 14 में से 12 वर्ष रहना है, अभी आगे पढ़ाऊंगा। इसमें क्या है कि कम से कम 7 वर्षों तक भारत में निवास कर रहा हो और अंतिम जो 1 वर्ष है उसको उसमें ही लगातार भारत में रहना है, लेकिन अब उसमें भी छूट मिल गई, तो अंतिम जो 1 वर्ष था उसमें भी 30 दिनों की छूट मिल गई, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भारतीय महिला की शादी कर ले तो 7 वर्ष से अगर भारत में रह रहा है तो नागरिकता ले सकता है। ये तो था पंजीकरण के द्वारा। अब देखेंगे हम देशीकरण बाय नेचुरलाइजेशन द्वारा, ठीक है, देशीकरण द्वारा, देशीकरण या प्रकृतिकरण द्वारा, यानी कि बाय बाय नेचुरलाइजेशन। अब बाय नेचुरलाइजेशन में क्या है, देशीकरण में क्या है, मान लो कोई विदेशी नागरिक है, कोई विदेशी नागरिक जो भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो निम्न शर्तें पूरी करके नागरिकता ग्रहण कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति भारत आया ताजमहल घूमने, अब उसको भारत बड़ा अच्छा लग गया, उसे लगने लगा कि अमर भारत की नागरिकता प्राप्त कर लूं, ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि वो भारत में किसी भी महिला से, या अगर कोई महिला आई है तो किसी पुरुष से शादी नहीं कर पा रहे, ठीक है, अगर शादी कर लेते तो बाई रजिस्ट्रेशन बाई पंजीकरण वो 7 साल में ही नागरिकता प्राप्त कर लेते, पर अगर मान लो शादी नहीं करना चाह रहा है भारत में आके, ठीक है, वो सिर्फ नागरिकता ही लेना चाह रहे हैं, तो नागरिकता उनको कैसे मिलेगी, तो उनको नागरिकता मिलेगी बाई नेशनलाइजेशन, देशीकरण के द्वारा। अब अगर भारत में रहना चाह रहे हैं, भारत बड़ा अच्छा लग गया, तो उनको भी नागरिकता देने का कुछ प्रावधान किया सर हमारे संविधान ने, ठीक है, हमारे संविधान ने कहा कि अगर कोई विदेशी नागरिक है उसको भारत बड़ा अच्छा लग रहा है
तो भी भारत में आकर के निवास कर सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? शर्तें देख लें आप, लेकिन कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। उन शर्तों में पहली शर्त ये है कि ऐसा जो व्यक्ति है, जो विदेशी नागरिक है, ऐसा व्यक्ति यानी कि वह व्यक्ति भारत में 14 वर्षों में से कम 12 वर्ष निवास करे। मतलब ऐसे व्यक्ति को नागरिकता लेने के लिए भारत में 14 वर्ष तक रहना पड़ेगा, और इन 14 वर्षों में से 2 वर्ष की छूट है कि 2 वर्ष वो जा भी सकता है। मान लीजिए उसने 2004 में उसने लगा कि मुझे भारत की नागरिकता लेनी है, तो उसने 2004 में भारत में निवास कर लिया, 5 में निवास कर लिया, फिर 6 में जाकर के अमेरिका चला गया, 1 साल अमेरिका रहा है, फिर आया 7 में फिर निवास किया, 8 या फिर 10 में भारत अमेरिका चला गया, फिर 10 से लेकर 20 तक रहा, तो टोटल 14 में से उसने 12 साल भारत में निवास किए। तो इसमें यही प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 14 साल से कम 12 साल भारत में निवास करे तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं, इसमें कहा गया है परंतु आवेदन करने के पूर्व का अंतिम 1 वर्ष उसे अवश्य भारत में रहना होगा। ऐसा नहीं कैसे, मतलब अगर कोई व्यक्ति 2004 में उसने मन बनाया कि मुझे भारत की नागरिकता लेनी है, तो 4 के बाद 4, 5 रहे 6 में चला जाए, 1 साल बाहर रहे, फिर 7-8 रहे, फिर 10 में चला जाए, फिर उसके बाद वो लगातार रहता रहे। लेकिन अगर उसने 2020 में उसको आवेदन करना है नागरिकता के लिए, तो उसको 2019 का जो साल है उस साल उसको भारत में रहना आवश्यक है। ये नहीं कि वो 2019 में वो अमेरिका रहकर के आया और 20 में लौट के आया, उसने कहा कि भैया हमें तो 12 साल पूरे हो गए नागरिकता दे दो, तो नहीं, उसको जब उसने आवेदन करना है, उस आवेदन करने के 1 वर्ष पहले उसको आवश्यक रूप से भारत में रहना होगा, ठीक है। परंतु आवेदन करने का अंतिम 1 वर्ष उसे अवश्य भारत में रहना होगा। अब यहां पर जो ये 14 वर्षों में से कम 12 वर्ष भारत में निवास कर रहा है ना, तो इसमें भी कुछ प्रावधान, उसमें ये है कि 1 वर्ष में कम 182 दिन प्रतिवर्ष भारत में निवास करे, यानी कि ये जो 1 वर्ष की जो समय सीमा है ना उसको काउंट किया जाएगा। अगर वो व्यक्ति 182 दिन भारत में रहता है तो उस 182 दिन को 1 वर्ष काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसको लगातार पूरा 1 वर्ष भारत में रहना चाहिए, यानी कि 1 वर्ष के कम से कम 182 दिन उसको भारत में रहना चाहिए, तो 1 वर्ष काउंट हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम जो 1 वर्ष था, उस अंतिम 1 वर्ष को पूरे वर्ष लगातार भारत में रहना चाहिए। लेकिन वही जो 2015 का जो संशोधन हुआ उसके अनुसार इसमें भी 30 दिन की छूट मिल जाएगी, इसमें भी 30 दिन की छूट मिल गई, ठीक है। पहले तो ये था कि इसमें लगातार 365 दिन भारत में रहना था, लेकिन 2015 के संशोधन के द्वारा 30 दिन की छूट मिल गई। तो दूसरी शर्त यह हो गई, तीसरी शर्त यह हो गई कि ऐसा जो व्यक्ति है जिसे भारत की नागरिकता लेनी है, विदेशी व्यक्ति को, उसको संविधान में आस्था होनी चाहिए, ठीक है, संविधान में आस्था होनी चाहिए और उसकी लिखित गारंटी देनी चाहिए, लिखित गारंटी, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं कि उसने कह दिया कि हाँ हमें संविधान में आस्था है, उसको लिख करके देना चाहिए कि मैं, अगर मुझे भारत की नागरिकता मिल जाती है तो मैं भारत की संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और आस्था रखूंगा, ठीक है। तो तीसरी शर्त क्या है कि ऐसा जो विदेशी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता चाहिए उसको संविधान में आस्था रखनी चाहिए और उस आस्था के लिए लिखित गारंटी भी देनी चाहिए। चौथी शर्त इसमें यह है कि कोई विदेशी नागरिक अगर कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा और साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है ना, इन क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ठीक है, इन क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति ख्याति प्राप्त है, ठीक है, अगर कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता बड़ी आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। यानी ऐसे व्यक्तियों को जो बाय नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस
के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि अजान सामी एक बहुत लंबे समय भारत में रहे और कला के क्षेत्र में उनका योगदान भी बेहद ख्याति प्राप्त व्यक्ति भी है, तो उनको भारतीय नागरिकता दे दी गई। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम से कम 12 वर्ष भारत में रहे, अंतिम का 1 वर्ष भारत में रहे, संविधान के प्रति आस्था रखे और उसकी लिखित गारंटी दे, और कला सहित समाज सेवा साइंस आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। साथ ही साथ एक पॉइंट और है, कोई व्यक्ति अगर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो, ठीक है, नोबेल प्राइज प्राप्त व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति भी अगर भारत की नागरिकता लेना चाह रहा है तो हम ऐसे व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता बड़े आराम से दे देंगे। ठीक है, यानी शांति और के क्षेत्र में, शांति क्षेत्र में कोई पुरस्कार मिला हो या फिर नोबेल प्राइज को प्राप्त हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम बेसिकरण या नेचुरलाइजेशन के द्वारा हम उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, प्रदान कर देंगे। ठीक है, कोई भी नोबेल प्राइज विजेता अगर व्यक्ति है भारतीय नागरिकता लेना चाहेगा, हम उसको भारतीय नागरिकता दे देंगे। फिर पांचवा पॉइंट है, बाई एक्वायर्ड मतलब अधिग्रहण द्वारा, अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता। मान लो कोई क्षेत्र है जिसका भारत ने अधिग्रहण कर लिया, जिस क्षेत्र को भारत ने एक्वायर कर लिया, ठीक है, अपने में मिला लिया, अपनी सीमाओं में मिला लिया, तो ऐसे क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को, ऐसे क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मान के चलिए कल के दिन इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में कब्जा का पाकिस्तान में धाव बोल दिया, ठीक है, और पाकिस्तान को भारत की सीमाओं के साथ मिला लिया, भारत ने पाकिस्तान को मिला लिया, तो पाकिस्तान के जो नागरिक है उनको स्वतः ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे ही हुआ सिक्किम के प्रकरण में, सिक्किम में क्या हुआ, भारत की सेनाओं ने सिक्किम को मिला लिया, यानी कि वहां क्या किया गया, जनमत कराया गया, और जनमत के द्वारा वहां के नागरिकों ने कहा कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, तो हमने अपनी सेनाएं भेजी, फिर हमने सिक्किम को अपने में मिला लिया। तो अब सिक्किम के जो नागरिक है उनको किसी भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, उनको हमने स्वतः ही नागरिकता प्रदान कर दी। ये होता है अधिग्रहण के द्वारा या बाय एक्वायर्ड। तो ये पांच आधार तो हो गए, जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है उसके द्वारा नागरिकता प्राप्ति के संबंध में है। अब हम देखेंगे नागरिकता समाप्ति के प्रावधान। तो नागरिकता समाप्ति के तीन प्रावधान है, नागरिकता समाप्ति के तीन प्रावधान है। जो पहला प्रावधान है उसको हम कहते हैं नागरिकता समाप्ति के लिए त्याग द्वारा, यानी कोई व्यक्ति अगर नागरिकता का त्याग कर दे, कोई व्यक्ति अगर नागरिकता का त्याग कर दे, इसे हम बोलेंगे रेनोसिएशन, यानी बाय रेनोसिएशन त्याग द्वारा नागरिकता की समाप्ति। ठीक है, त्याग द्वारा नागरिकता की समाप्ति। अभी त्याग द्वारा नागरिकता का अर्थ क्या होता है, मान लो किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दी, किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दी, किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता स्वेच्छा से त्याग दी और किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो उसको हम कहेंगे त्याग द्वारा नागरिकता की समाप्ति। तो इस तरीके से भी तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मगर किसी व्यक्ति ने मान लो भारत का नागरिक था, उसको अब लगा मुझे भारतीय नागरिकता नहीं चाहिए, उसने स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दी, तो स्वेच्छा से जब नागरिकता त्याग गई उसमें बोलेंगे बाय रेनोसिएशन, यानी कि नागरिक द्वारा अगर अपनी नागरिकता त्याग करके किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली गई तो उसको हम बोलेंगे त्याग द्वारा नागरिकता की समाप्ति। दूसरा आता है निरस्तीकरण द्वारा, बाय टर्मिनेशन, निरस्तीकरण द्वारा इसे बोलेंगे बाय टर्मिनेशन, यानी टर्मिनेट कर दी जाएगी इसकी नागरिकता। अब ये टर्मिनेशन क्या होगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जिसने किसी
ऐसा भी जिसे जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति है जो अमेरिका गया घूमने, अमेरिका उसको बड़ा अच्छा लगा, अमेरिका में रहने लग गया, कुछ समय बाद उसने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली, लेकिन उसने भारत की नागरिकता नहीं त्यागी है। तो अब जैसे ही वो अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करेगा तो यहां भारत में ऐसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि उसकी जो नागरिकता है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसकी नागरिकता निरस्त कर दी जाएगी। तो ये भी भारत की जो एकल नागरिकता के सिद्धांत है, एकल नागरिकता के सिद्धांत के आधार पर, भारत के एकल नागरिकता के सिद्धांत के आधार पर ऐसे जो व्यक्ति है उसकी जो नागरिकता है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें तीसरा पॉइंट है, निरस्तीकरण के बाद जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है वंचना द्वारा, यानी डेप्रीवेशन, वंचना द्वारा, वंचना द्वारा नागरिकता की समाप्ति, यानी कि बाई डेप्रीवेशन, बाई डेप्रीवेशन नागरिकता की समाप्ति। अब बाई डेप्रीवेशन कैसे नागरिकता की समाप्त होगी, तो बाई डेप्रीवेशन केवल दो ही तरीके के नागरिकों की नागरिकता समाप्त की सकती है, ऐसे नागरिक जिन्होंने पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी उनकी नागरिकता वंचन के द्वारा समाप्त की सकती है, और ऐसे नागरिक जिन्होंने नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की सकती है। ठीक है, तो हम देखेंगे वंचना के द्वारा, वंचना द्वारा सिर्फ पंजीकरण एवं प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों की ही नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, बाकी जिनको जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर या फिर एरिया एक्वायर्ड के आधार पर नागरिकता मिली है उनकी नागरिकता नहीं समाप्त की सकती, केवल ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की होगी, ऐसे नागरिकों की केवल नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, इसके कारण क्या है, वंचना के द्वारा नागरिकता समाप्त करने के आधार क्या है, किन कारणों पर ऐसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। मान के चलिए पंजीकरण और प्रगतिकरण के द्वारा किसी व्यक्ति ने भारतीय नागरिकता ले ली, कुछ समय के बाद सरकार को यह पता चला कि उस व्यक्ति ने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं या जो उसने आधार बताए थे वो आधार गलत है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति ने गलत आधार के द्वारा, ठीक है, गलत डॉक्यूमेंट्स के द्वारा उसने नागरिकता प्राप्त की है, तो जैसे ही वो बात डिस्क्लोज होगी पता चलेगा कि उसके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स जारी हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उस व्यक्ति की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, दूसरा कारण यह है, वंचना के द्वारा, वंचना द्वारा नागरिकता समाप्त की सकते हैं, वंचना द्वारा नागरिकता समाप्त करते हैं, हाँ लिख रहा हूं, गलत आधार व डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, दस्तावेज द्वारा नागरिकता प्राप्त करने पर, अगर किसी व्यक्ति ने गलत आधार हो या दस्तावेजों से नागरिकता प्राप्त की हो तो उसकी नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दो देशों के मध्य युद्ध चल रहा है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, कोई व्यक्ति है जिसने पंजीकरण और नेशनलाइजेशन के द्वारा भारत की नागरिकता ली है, लेकिन जब युद्ध चल रहा हो उस समय वो पाकिस्तान का पक्ष ले, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से बोले, तो ऐसे व्यक्ति की भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, यानी युद्ध के समय अगर कोई व्यक्ति हमारे शत्रु देश का साथ दे रहा है, समर्थन दे रहा है शत्रु देश को, तो आप उसकी नागरिकता भी समाप्त कर सकते हैं। तीसरा आधार, ऐसा व्यक्ति जो कि संविधान के प्रति, संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी रखे, संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाए, ठीक है, यानी कि संविधान का निरादर करे, उसके प्रति आस्था ना दिखाए, तो ऐसे व्यक्ति की भी जो नागरिकता है वह समाप्त की जा सकती है। ठीक है, अगर संविधान के प्रति अनादर दिखाता है तो नागरिकता समाप्त की सकती है, युद्ध में अगर ऐसा व्यक्ति भारत के विरुद्ध युद्ध वाले देश का सहयोग करे तो नागरिकता समाप्त की सकती है, और अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति सात वर्षों तक बिना दूतावास को जानकारी
दिए भारत के बाहर रहे तो नागरिकता कौन कह सकती है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो लगातार 7 वर्ष और उससे अधिक तक भारत के बाहर रह रहा है और उसने भारतीय दूतावास को भी जानकारी नहीं दी है, तो ऐसे व्यक्ति को की भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, तो एक आधार ये हो गया नागरिकता समाप्ति का। चलिए तो ये हम लोगों ने देख लिया कि आजकल पहले 5, 6, 7, 8 देखे, 9, 10, 11 देखे, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमें इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत जो प्रावधान जोड़े गए हैं किन आधारों पर नागरिकता दे सकते हैं, किन आधारों पर नागरिकता समाप्त हो सकती है, उसको हमको ध्यान में देना है। ठीक है, उसकी हमने सब चर्चा के लिए, तो आज जो है सिटीजनशिप जो चैप्टर है नागरिकता, ये पूरी तरीके से बहुत डिटेल से समाप्त हो गया, अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन कहीं नहीं बनेगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, धन्यवाद।